अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11.7 अकॉस्टिक प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो है अभी तक टॉपिक्स किए हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड थे और कुछ जो है स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं भी थे, बट हमने थोड़ा सा उनको जो है वो डिफाइन किया या टू सम एक्सटेंट ताकि हमें वो चीज़ें जो है वो याद रखें रिलेटेड टू द सॉन्ग। तो वैसा ही है भी एक टॉपिक अकॉस्टिक प्रोडक्शन उस तरह से आपके सिलेबस में इंक्लूड तो नहीं है, बट डेफिनेशन के तौर पे हम इसको याद रखेंगे कि अकॉस्टिक प्रोडक्शन है क्या और हमने डेली लाइफ में इसको किस हद तक जो है वो यूज किया है कभी या हम जो है वो इसको देखते हैं या यूज करते हैं। स्टूडेंट्स जो अकॉस्टिक प्रोडक्शन है, अकॉस्टिक हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था, ये कहते हैं सॉन्ग को। अकॉस्टिक प्रोडक्शन यानी साउंड की प्रोडक्शन मतलब यह है कि जो नॉइस शोर होता है उसको कम किया जाता है बाय यूजिंग सम डिफरेंट मेथड्स को डिफरेंट मटेरियल को यूज करके जो साउंड है या इको बेसिकली आप कह सकते हो या आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या आपका जो नॉइस है अगर ज्यादा शोर है तो उस चीज को कम किया जा सकता है, नॉइस को कम किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल। तो ये जो प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द अकॉस्टिक प्रोडक्शन। तो अकॉस्टिक प्रोडक्शन डैम्पिंग ऑफ नॉइस बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोर मटेरियल इज कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोडक्शन। डैम्पिंग मींस डैम्पिंग होता है किसी चीज को जो है वो कम करना, मींस आपके नॉइस जो है वो जस्ट लाइक दिस इतने बड़े-बड़े से एम्पलीट्यूड के साथ आप इसको डैम्प करके एम्पलीट्यूड इसका क्या करते हैं थोड़ा सा कम करते हैं। तो बेसिकली नॉइस को कम करने के लिए डैम्पिंग की जाती है बाय यूजिंग डिफरेंट सॉफ्ट मटेरियल या पोर्स को यूज किया जाता है। तो इस तरह की जो आपका प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। ठीक है जी, तो डेफिनेशन इसकी करेंगे जब, तो डैम्पिंग ऑफ साउंड यार डैम्पिंग ऑफ नॉइस बाय यूजिंग सॉफ्ट एंड पोर्स मटेरियल इस कार कार अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट्स अक्सर आपने देखा होगा कहीं पे घरों पे दीवारों के साथ हम जो है वो डिफरेंट किस्म के शीट्स वगैरह को यूज करते हैं, उसकी मदद से ये होता है कि साउंड जो है वो उसको किसी हद तक कम किया जा सकता है, सॉफ्ट मटेरियल यूज किए जा सकते हैं। अब जनरली देखिए आपके पास कोई एक ऐसा कमरा हो जहाँ पे के फर्श के ऊपर कोई कालीन वगैरह नहीं है और कोई ऐसा कमरा हो जिसमें कालीन पड़ा हुआ है, तो आप बाकायदा देख सकते हैं कि जिस रूम में कालीन वगैरह पड़ा होगा वहां पे साउंड पड़ने के बाद थोड़ी सी डैम्प होती है, अब्सॉर्ब हो जाती है, तो इस वजह से वहां पे नॉइस क्या होता है कम होता है। तो डिफरेंट जो है वो चीजों को यूज करके हम जो है वो इसकी नॉइस को कम कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। तो जस्ट डेफिनेशन तक हम इसको रखेंगे। तो स्टूडेंट्स 11.8 टॉपिक है ह्यूमन ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज। 11.8 है ह्यूमन ऑडियोबल जो है वो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो आपके पास इसके अगर डेफिनेशन करें द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर, ठीक है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट एन दैट अ ह्यूमन ईयर कैन हियर, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी जो कि एक ह्यूमन ईयर जो है वो आसानी से सुन सकता है दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और इंसान एक जो सेहतमंद इंसान है उसके लिए ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज इतनी जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है कि ह्यूमन ईयर जो है वो एक सेहतमंद इंसानी कान वो 20,000 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो है फ्रीक्वेंसी रेंज को या फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स होती है उनको सुन सकता है। तो ये बेसिकली जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज का होता है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक इंसानी कान है, अगर एक साउंड जो है वो
किसी एक पॉइंट से या जो उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 1 सेकंड में अगर 20 दफा वाइब्रेट करता है तो तब भी इंसानी कान सुन सकता है, अगर 20,000 दफा भी वाइब्रेट करे तो इंसानी कान जो है वो उसको सुन सकता है। बीच में 10,000, 15,000, 20,000 व्हाटएवर कुछ भी इन बिटवीन जो भी वैल्यूज आती हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड वो इंसानी कान जो है वो आसानी से सुन सकता है, और ये जो है वो इंसानी कान की ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो डिफरेंट, इसका जो आप देखें कि इसका डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस फॉर ह्यूमन के आपके लिए डिफरेंट लोगों के लिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो किस तरह से डिफर करती है, या एक छोटा बच्चा है या एक बड़ा बंदा है, तो ऑडियोबल रेंज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस एंड आल्सो वेरीज विद द एज। ठीक है, इसका डिफरेंस या आप ये कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ एज डिफरेंस। ठीक है, एज डिफरेंस जो है उसका इफेक्ट क्या होता है कि एज के साथ साथ ये जो है वो चेंज होती रहती है। चिल्ड्रन कैन हियर साउंड ऑफ 20 kHz, यानी कि चाइल्ड जो होते हैं, चिल्ड्रन कैन हियर, ठीक है, अप टू 20 kHz मींस 20,000 Hz तक जो है वो बच्चे जो है वो आसानी से सुन सकते हैं, बट ओल्ड मैन जो होते हैं, ओल्ड मैन या यंग मैन जो है वो कैन हियर 15 kHz, दैट मींस अबाउट 15,000 Hz तक की जो साउंड होती है उसको सुन सकते हैं, उससे ज्यादा की जो है वो उसको ऑडियोबल नहीं रहती है, उस तरह से सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका डिफरेंस होता है। तो इसी बेस के ऊपर स्टूडेंट्स इन दो डेफिनेशंस या इन दो रेंज के जो है इसकी बेस के ऊपर फ्रीक्वेंसी की जो है डिफरेंट डेफिनेशंस की जाती है, उनको हम जो है वो टर्म्स में देखते हैं। उनमें एक है आपके पास, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। नंबर वन अल्ट्रासोनिक, ऐसी आवाज की जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है अ साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 kHz इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 kHz से ज्यादा होती है उसको अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है जी, साउंड जिनकी मोर देन उनको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और इससे ज्यादा जो होती है आवाजें वो सुनाई नहीं देती है उस तरह से, और अपने जो एयर ड्रम होता है उसको जो है वो डैमेज भी कर देती है। इसी तरह से कुछ वेव्स होती हैं या कुछ साउंड होते हैं जिनका इंफ्रासोनिक कहते हैं। तो इंफ्रासोनिक जो है वो साउंड अ साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 Hz इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। तो स्टूडेंट्स अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 20 Hz से लेस की हो जाए, यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो, तो उस सूरत में जो उस तरह की जो साउंड होती है उनको जो है हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड जो होती है वो इतनी लो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी के, उनको इंसानी कान भी जो है वो सुन नहीं सकता। अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है इसलिए नहीं कान सुन सकता, और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम भी हो तो तब इंसानी कान जो है वो आसानी से नहीं सुन सकता। तो इंसानी कान को सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी जो है 20 Hz से लेकर 20,000 Hz के दरमियान में होनी चाहिए। इससे अगर ज्यादा होगी यानी कि अल्ट्रासोनिक होगी तो तब भी इंसानी कान नहीं सुनेगा, और अगर इससे कम हो गया इंफ्रासोनिक होगी तो तब भी इंसानी कान उसको नहीं सुन सकता है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के रिलेटेड ही है, जो कि हमने अभी एक टाइप में भी देखा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या, और हमने देखना है कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है या यूज क्या है, और वो है 11.9 अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अभी हमने देखा है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी के फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 20,000 Hz से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 kHz इज कॉल्ड अल्ट्रा
साउंड, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड उसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 के हर्ट्ज से ज्यादा हो उनको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, और सच वेव्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय सेटिंग अ क्रिस्टल इन द ऑसिलेट इलेक्ट्रिसिटी। इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो ऑसिलेट करवाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, जिसको बहुत तेज से जब ऑसिलेट करवाते हैं तो उसकी मदद से जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, बहुत तेजी के साथ जो है वो क्रिस्टल को प्रोड्यूस बाय ऑसिलेट क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली जो है वो एक साउंड आपका जो क्रिस्टल होता है उसको बहुत तेजी के साथ जब आप वाइब्रेट करवाते हैं या ऑसिलेट करवाते हैं तो उसकी मदद से जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती है। तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस जो है वेव जो है इनके डिफरेंट यूज हैं या इनके एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो मेन ये जो टॉपिक है 11.9, इसमें हमने बेसिकली ये चीज देखनी है कि अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो उनकी एप्लीकेशंस क्या है। स्टूडेंट्स उन एप्लीकेशंस को हम देखते हैं, डेफिनेशन तो हमने कहा कि प्रोड्यूस कैसे होती है हमने देखा, इनके एप्लीकेशंस में हम आते हैं फर्स्टली, और वही हमने जो है वो इस टॉपिक में मेनली करनी भी है। एप्लीकेशंस आ रहे हैं, इनके जो यूज है वो बेसिकली क्या है, एप्लीकेशंस इनकी क्या है। तो नंबर वन स्टूडेंट्स ये है कि ड्यू टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हैज अ ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर देन ऑर्डिनरी साउंड, सो इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर द सी एंड ऑर्गन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है बहुत ज्यादा किसी भी चीज के अंदर से जो है वो बहुत हद तक ये गुजर जाती है और बहुत नीचे तक जा सकती है, यानी बहुत अंदर तक जो है वो पेंट्रेट कर जाती है, गुजर जाती है। तो इसलिए इनका जो काम होता है बेसिकली सी जो समंदर होता है इसके अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं या उनका जो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस है या तय समंदर की फाइंड करनी हो, उसकी डेप्थ फाइंड करनी हो, उसके लिए इनको यूज किया जाता है, क्योंकि पानी को बहुत ज्यादा पेंट्रेट कर जाती है, प्लस जो है वो ह्यूमन बॉडी के इन साइड जो इमेजिंग वगैरह की जाती है उसके लिए भी इनको जो है वो यूज किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से। तो नंबर वन जो है इनका यूज, नंबर वन इनका यूज अगर हम देखें तो वो ये है कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड इज यूज इन सोनार। नंबर वन इनकी एप्लीकेशन है वो है सोनार। सोनार बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग को कहा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। स्टूडेंट साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बेसिकली टू मेजर द, आप कह सकते हैं सोनार बेसिकली एक मेथड है जिसकी मदद से मेजर दी डेप्थ ऑफ सी, समंदर की जो गहराई है उसको बेसिकली क्या किया जाता है मेजर किया जा सकता है। ये इनका नंबर वन एप्लीकेशन है। नंबर टू स्टूडेंट्स है कि अल्ट्रासाउंड यूज टू इन्वेस्टिगेट डिफेक्ट इन द इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन्स, इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन्स का जो डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट ऑफ इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन्स जो है वो भी इसकी मदद से फाइंड किया जा सकते हैं। नंबर थ्री स्टूडेंट्स अल्ट्रासाउंड इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, जो मसल्स के अंदर पेन होता है इनके ट्रीटमेंट के लिए जो है अल्ट्रासाउंड को वहां पे यूज किया जाता है, उनकी जो है वो बॉडी के अंदर उनका डिफरेंट डिजीज जो होती है उनकी वर्कआउट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। कई दफा आर्टरीज जो होती हैं ये नालियां जो खून की ये कई दफा बंद होती है तो अल्ट्रासाउंड की मदद से उनकी जो आपकी क्लॉटिंग हो जाती है उसको क्या किया जाता है कि सॉल्व किया जाता है, या उनकी जो खून की पेन होता है उसको थोड़ा सा स्मूथ किया जाता है इनकी मदद से। देन अल्ट्रासाउंड इज यूज इन इंडस्ट्री डिटेक्टिंग फ्लॉज, किसी भी आपकी मेटल जो होती हैं, मेटल के ऊपर जो मेटल फ्लॉज होते हैं मींस कहीं पे आपका एक मेटल है और उसके ऊपर डिफरेंट यहाँ पे कोई डिफरेंट अगर डिफेक्ट आ जाता है उस सरफेस के ऊपर तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी जो है वो अल्ट्रासाउंड को यूज किया जा सकता है। और अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज फॉर फाइंडिंग द लेवल ऑफ लिक्विड इन द मेटल टैंक, किसी भी मेटल टैंक जो है उसके अंदर अगर लिक्विड का आपने लेवल फाइंड करना हो तो उसके लिए भी जो है वो आप अल्ट्रासाउंड को लेवल ऑफ
लेवल ऑफ लिक्विड जो है उसको फाइंड करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड को यूज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था जिसमें हमने अकॉस्टिक वेव की जस्ट अकॉस्टिक प्रोटेक्शन जो है उसकी जस्ट डेफिनेशन की और देन हमने जो है वो इसमें देखा कि ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, उसकी बेस के ऊपर दो टाइप अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक की डेफिनेशन, अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके आगे एप्लीकेशंस क्या है और किस तरह से हम जो है उनको यूज करते हैं। तो होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।